नमस्कार दोस्तों, हेलो एवरीवन, होप यू गाइस फाइन। तो गाइस आज संडे और आज का जो व्लॉग होने वाला है वो कुछ ऐसा है कि आज हम जा रहे हैं कणाश्रम की सफाई करने के लिए। तो ये प्लान हमारे जिम के ट्रेनर प्लस ऑनर अरविंद भाई का था। तो इन्होंने कहा कणाश्रम में काफ़ी गंदगी रहती है, लोग आते हैं वहाँ पार्टी वार्टी करते हैं और कचरा वचरा कर देते हैं। तो उसी की सफाई के लिए आज अरविंद भाई का प्लान था कि आज वहाँ की सफाई करें। और ये हमारे दुर्गापुरी, निम्बूचौड़ और मोडांग के जितने भी लड़के हैं तो उनके वहाँ से भी नज़दीक पड़ता है, तो इसलिए वहीं जा रहे हैं पहले सफाई करने। बाकी जो भी मतलब इक्विपमेंट्स है वो सारे अरविंद भाई ने प्रोवाइड करवाए हैं, जैसे पॉलीथीन हो गया, हैंड ग्लव्स हो गए और डस्टबिन हो गए। तो उसके लिए अरविंद भाई का धन्यवाद और मिलते हैं आपको अभी आगे ब्लॉग में और क्लिप्स वगैरह दिखाएंगे, तो बने रहिए। हेलो गाइस, हम यहाँ पे देखिए दुर्गापुरी पे खड़े हैं अरविंद भैया के साथ। भैया आइए, कम ऑन एयर। और आज हम जाएंगे देखिए कणाश्रम स्वच्छता की और एक कदम रखते हैं फिट टू लीव जिम। देखिए इधर दिखाइए, और ये हमारे भाई लोग सभी सब जाएंगे आज हमारे साथ कणाश्रम। ये हम पॉली बैग और ग्लव और सैनिटाइजर भी हमारे पास, सब चीजें उपलब्ध है हमारे पास, आप इसे पढ़ लीजिए एक बार। कणाश्रम में हमें क्या करना है, देव भूमि हमारी है, हमें क्या करना है वहाँ पे स्वच्छता अभियान, हमें लोगों को जागरूक करना है कि वहाँ पे स्वच्छता कैसे करनी है। ये हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, देखिए और मेरी गाड़ी भी तैयार हो गई है। चलो तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे पूरी लाइन लग गई है सारे जिम के मेंबर से, और लगभग 50 से ऊपर लड़के होंगे। तो आज सारे लोग कणाश्रम को अच्छे से साफ करने वाले हैं। तो गाइज अभी आ गए हम कणाश्रम पे और हमारी पूरी जो टोली है वो आगे निकल चुकी है। अभी मैं यहाँ पे बैठ के थोड़ा व्लॉग व्लॉग कर रहा हूँ, फिर जाते हैं, उसके बाद सफाई वगैरह करेंगे वहाँ पे। उसके बाद रिफ्रेशमेंट भी रखा हुआ है अरविंद भाई ने, तो देखते हैं क्या मिलता है खाने पीने में। एक साइड और लगभग नहीं भी तो 50 से ऊपर लड़के लोग हैं, ठीक है, तो सफाई अच्छे से होने वाली है। तो कृपया यार यहाँ पे कचरा वचरा ना करें, जैसे कि मैंने पहले भी बोला आगे वीडियो में, यहाँ फैमिली वगैरह आती है घूमने। देखो तो गाइज जितना कम हो सके उतना कम कचरा करें, और डस्टबिन लगे हैं जगह जगह पे, आपको दिखाऊंगा, उसको यूज़ करें। और ये कणाश्रम का पुल है, यहाँ पे एक इशू हो चुका है कि तार लाना भूल गए, जिससे हम कि पोस्टर को पेड़ में बांध सके, तो अभी तार लेने गए हैं लोग। हेलो गाइज, माय नेम इज अरविंद, और आज हम देखिए कणाश्रम में साफ सफाई करने आ रखे हैं। पूरा टीम हमारा फिट टू लीव जिम का, ये हमारी देवभूमि है जो यहाँ के लोगों ने गंदगी फैला रखी है। यहाँ पार्टी करने आते हैं संडे शनिवार, सो कोई भी डे हो यहाँ पार्टी होती है, खाते हैं पीते हैं, यहीं गिराते हैं कूड़ा करकट, कांच की बोतलें, सारा सामान यहीं। तो आज हम लोगों ने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती आ रही है, हमने सोचा एक हफ्ते पहले हम लोग क्या करते हैं थोड़ा साफ सफाई के अभियान शुरू करते हैं, ठीक है। आज हम लोग साफ सफाई करना चाह रहे हैं, पूरा जिम का ग्रुप आ रखा मेरा, ठीक है, जो हमारा दुर्गापुरी में जिम है फिट टू लीव नाम से, ये सारे फ्रेंड्स मेरे जिम के हैं। आज मैं आपकी क्रिएशन, इसके थ्रू मैं आप लोगों से अपना आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, ठीक है। और एक कणाश्रम में थोड़ा साफ सफाई का अभियान शुरू कर रहे हैं हम लोग, तो सो गाइज आप लोग से देखें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जैसे कि आप अरविंद भाई ने बताया आपको कि आज हम कणाश्रम की सफाई वगैरह करना है, तो पूरी ये टीम हमारी है, ठीक है। तो यार गाइज जब पहले तो आप अपने शहर को साफ रखो, गांव देश तो बहुत दूर की बात है। तो गाइज ये पूरी फैसिलिटी अरविंद भाई ने प्रोवाइड करी है, और यहाँ पे डस्टबिन वगैरह भी ला रखी है, और ये हमारा मोटिव है। वो देखिए छोटू और उसे लग रहा कुछ खाने को मिलेगा, पर यहाँ पे सफाई हो रही है, खाने को कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे लड़कों ने जो रोज आते हैं यहाँ पे दारू वगैरह पीते हैं और अपनी गंदगी यहाँ छोड़ के चले जाते हैं, तो हम इस देश के नागरिक होने के नाते हमें यहाँ की सफाई करनी चाहिए, और ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें
साफ सफाई करनी चाहिए, अपने देश को अच्छा करना चाहिए, हरा भरा रखना चाहिए। और देख ही रहे हो आप यहाँ पे कितने सारे जानवर हैं, अब वो जानवर इन पन्नियों को खाएंगे, उनके प्लास्टिक को खाएंगे, प्लास्टिक कितना हार्मफुल होता है हमारे लिए, तो इससे मतलब हमें तो नुकसान हो ही रहा है, खास हमारी प्रकृति के ज्यादा हो रहा है नुकसान है जानवरों को भी। गाइस यहाँ पे लड़के लोग तो काफी आए हैं, आप देख सकते हो आप बहुत सारे हैं, मतलब मुझे नहीं पता अप्रोक्सीमेटली 60-70 होंगे, बट लड़कियां भी आ रखी है, लगभग 10-15 लड़कियां आ रखी है, तो इनको देख के काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि ये भी हमारे साथ है, जबकि ये इस इलाके में आते भी नहीं है, और जितने भी लड़के हैं तो कचरा यही करते हैं। देखो साफ सीधी बात है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये आता है एंजॉय करने, आते सारे आते हैं, तो अब से ये ड्यूटी हमारी की अब से कचरा डस्टबिन में डालें। देखो दोस्तों आप सबको पता है कि हम लोग आज किस लिए आ रखे हैं, सफाई करने, शर्माना नहीं है कूड़ा उठाना, जो कूड़ा करना है हम लोगों ने कर रखा, हम जैसे उन्हें कर रखा, ठीक है, और हम लोगों ने से सुधारना है, ये आज से स्टार्ट हो रहा है और आगे भी रहेगा स्टार्ट। अभी मैं 3 ग्रुप बना रहा हूँ, पहला ग्रुप जाएगा पुल के पार जो कर्णाश्रम वाली मंदिर है, ठीक है, भाई लोगों हम लोगों के साथ आई हैं गर्ल्स, तो उनकी थोड़ा सेफ्टी रखना है, ठीक है, किसी के दोस्त हैं, किसी की बहनें हैं, ठीक है, तो हम लोगों ने थोड़ा उनका भी ख्याल रखना है, हल्ला गुल्ला नहीं होना चाहिए, गाली गलौज नहीं होना चाहिए, लोग यहाँ खाने पीने आ रहे हैं, 2-3 लड़के इनके पास प्यार से चले जाओ, भैया लोग प्यार से बोल दो कि भैया लोग जो भी आप लोग कूड़ा करकट कर रहे हो, ये मतलब जो भी आप लोग सामान ला रहे हो अपने हिसाब से ले जाके बरगद के पेड़ के सामने डस्टबिन में वो कर दो, ठीक है, और सब बैठेंगे कहाँ, मिलेंगे झरने में। तो गाइस टीम पूरे जोश होश में लग चुकी है सफाई के अभियान में, और अभी मैं भी जाऊंगा तो शायद बीच से क्लिप ना मिले, और साफ सफाई अभियान में तो गाइस सपोर्ट करें और बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए चैनल को, वीडियो काफी बड़ी होने वाली है। तो गाइस अभी हम आगे ट्रायंगल की ओर बढ़ चुके हैं, और आधे लोग हमारे मंदिर की साइड जा रखे हैं 15-20 सफाई के लिए। तो गाइस देख लो कितना कचरा है, पन्नी में पलटाना, एक डस्टबिन इधर है। तो गाइस अभी काफ़ी कचरा साफ कर चुके हैं हम, 8-9 पॉलीबैग भर चुकी है आराम से, और बोटलें और कैन तो इतनी थी कि पूछो मत। तो गाइस यार बोतल फोड़ा मत करो, उठाने में तो आफत आ जाती है, लेकिन किसी के पैर वैर पर लग गया कल को पैर काटना पड़ जाएगा, दिक्कत बहुत है। और इन्हें भी बता दो, तो अभी हम और जगह साफ करने वाले हैं, उधर झरना है, झरने पर भी साफ करेंगे, क्योंकि वहाँ पर भी काफ़ी कचरा पड़ा था, आपने मेरे कर्णाश्रम वाले हिडन वाटरफॉल वाले ब्लॉग में भी देखा था, तो हमने वहाँ पर पहले भी सफाई करी थी, अब भी करेंगे, देखते हैं और करते क्या रहेंगे। बट अभी काफी भूख लग गई है, हम लोगों का टारगेट था झरने तक, अब झरने तक कौन कौन आ रहा है, सब जा रहे हैं, आएगा रास्ता थोड़ा खराब है इसलिए पहले बता रहे हैं, पहले इसलिए बता रहे हैं भैया, पहले सबके साथ अपने लिए ताली बजाएंगे। यहाँ पे बहुतों ने बोला हम लोगों ने साफ सफाई कर दी है, पता नहीं मैं मेरे को बहुतों के मैसेज आए कि भाई हमने साफ सफाई कर दी, साफ सफाई कर दी, अभी अभी इनको हम अब दिखाएंगे साफ सफाई किसे बोलते हैं, सारे फूल हो चुके अभी वो भी जा रहे हम लोगों ने क्या करना है, लास्ट वहां तक देना है, ठीक है, एंडिंग वहां पे हम लोग जो भी नाश्ता अपना ब्रेकफास्ट करना हो वो ही करेंगे, ठीक है। तो गाइस 54 लोग अभी यहीं पे बैठे हुए थे, आगे 15 लोग उधर जा रहे थे, ऋषि लोग मंदिर की साइड सफाई करने के लिए, तो लगभग 65 लोग हैं यहाँ पे हमारे साथ, और लगभग पूरा कर्णाश्रम साफ कर दिया, अब हम जा रहे हैं झरने की साइड, तो
तो उसके बाद हमारा भी यहाँ पे रिफ्रेशमेंट होगा, उसके बाद खाएंगे पियेंगे और फिर घर चलेंगे। और ये कचरा जितना भी है हम आगे कचरा कहाँ डालने वाले, हम लोग कचरा सीधे वहीं पे डंप करेंगे। इतना सारा फिर कौन लेके जाएगा वहाँ से? नहीं वहाँ पे से जहाँ पे डंप करेंगे तो नगर निगम वालों को पता नहीं, आते नहीं आते। तो गाइस 3 से 4 कट्टे वहाँ पे हो चुके हैं कचरे के, एक गिरा और 2-3 वहाँ पे पड़े हुए हैं। ठीक है, लगभग अच्छे से सफाई करी हमने, सब लोगों का काफ़ी हाथ है यहाँ पे, सारे सब लोगों ने मदद करी है। और अभी झरने पे जा रहे हैं जो उस साइड है नदी के पार, उसके बाद उधर भी साफ़ करेंगे और रिफ्रेशमेंट भी करा हुआ भैया ने। तो धन्यवाद अरविंद भाई आपका, आप जब भी वीडियो देखो आपको मज़ा आए। और नदी पार कर रहे हैं लोग। तो देखो दोस्तों, पन्नी में पैक तो कर दिया लोगों ने, लेकिन यहाँ से लेकर और जो यहाँ पे डस्टबिन लगे वहाँ तक ले जाने की हिम्मत नहीं है इनके अंदर। तो पूरी जिम की टोली उधर से आ रही है। ठीक है, और ये है वो झरना। ये करा है लोगों ने कचरा इतनी अच्छी जगह पे आके, इंजॉय करो यार अपना। ठीक है, पर कचरा लेके वहाँ पे डस्टबिन लेके वहाँ पे फेंक के आ जाओ, क्या दिक्कत है? आफत आ रही है तुम्हें बताई। तो गाइस यहाँ पे हमने सारा कचरा साफ कर दिया कनाश्रम का, तो वीडियो को एंड करने का समय आ गया है। और अभी यहाँ पे बैठ के रिफ्रेशमेंट कर रहे लड़के लोग जितने भी यहाँ पे हमारे साथ मेंबर्स आए थे। तो गाइस अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करना और अपने अगल बगल एनवायरनमेंट को जरूर साफ रखना। ठीक है यार, पहले तो देश को साफ नहीं रख सकते, तो कम से कम अपने अगल बगल जहाँ तुम रह रहे हो उस शहर को तो साफ रखो। और क्या बोले बाकी, आप सब समझदार हो पता ही आपको। चलो बाय बाय। तो गाइस व्लॉग एंड करते हैं, सब लोग घर जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। तो गाइस हम सुबह आए थे 8:30 या 9 बजे करीब। ठीक है, तो अभी बज गए हैं दिन के 1 और लगभग हमने सारा कनाश्रम साफ कर लिया है। अब वापस जा रहे हैं घर के ओर और उसके बाद हो जाएंगे क्या करना करता है, क्या और क्या करना है, एडिट करूंगा मैं। उसके बाद जल्द से जल्द आप लोगों के सामने वीडियो प्रस्तुत रहेगी और उसके बाद अगला व्लॉग भी आएगा, फिर तब मिलेंगे अगले व्लॉग में आपको। तो गाइस आप देख लो, 3 पॉली बैग ये रही और एक पॉली बैग हमारे पास है, बहुत भारी है, काफी बोतल है इसके अंदर। अगर हम इन बोतल को बेचेंगे तो 2 फुल आरएस की आ जाएगी इजीली। तो सफाई का ध्यान रखें। वो यहाँ पे सारा कचरा नहीं आया अभी, अभी और कचरा बाकी है। तो लगभग ये तुम्हारी 1, 2, 3, 4, 18 पॉली है, सॉरी ये भी है 19 और 20। तो अभी ये 20 है और अभी जैसे कि वो दिख रहा होगा आपको वहाँ से और भी ला रहे हैं। ठीक है, तो सफाई का ध्यान रखें। गाड़ी वाला घर से कचरा निकाल, घर में रखेगा तो होगा बुरा हाल, होगा बीमार पर ना फेंकना तू बार, जो भी फेंके ऑन द रोड जस्ट गिव मी अ कॉल। फॉर ऑल जनहित में है जारी, देश घर है तुम्हारा, इसके रहो तुम आभारी, जैसे रखते हो क्लीन घर रखो देश साफ, गाड़ी वाले को ही देना वरना करो। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारा सफाई अभियान खत्म हो चुका है शाम के 5 बजे, जो शुरू हुआ सुबह के 8 बजे से शाम के ठीक 5 बजे तक, और लगभग उसमें हम लोग 50 से 60 पॉली बैग जो पूरा हमारा छोटा हाथी भर गया था, जो इस वीडियो को आपको दिखेगा। अपने सभी जिम वालों, जो हमारे जिम वाले हैं, कुछ हमारे बाहर से भी आए थे लोग साफ सफाई अभियान में शामिल होने के लिए, ठीक है, उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुझे शाम को कुछ कमेंट आते हैं कि आप लोग शो ऑफ कर रहे हो, अगर आप लोग कर सकते हो शो ऑफ तो आप लोग भी करिए, हम आप लोगों को प्रमोट करेंगे फिटोलिजिम से। वो बोलते हैं आप लोग फिटोलिजिम को प्रमोट कर लो, अबे प्रमोट कर रहे हो, 60-70 बच्चे जा रहे हैं वहाँ साफ सफाई कर रहे हैं, वहाँ की गंदगी हटा रहे हैं, सालों का कूड़ा होता है वो ला रहे हैं, ऐसी शो ऑफ करे जाते हैं, तो ये सब नहीं होता है। आप लोग वीडियो में देखिए अगर हम लोग झूठ बोलते हैं, ठीक है, हमारे साथ जितने भी बच्चे गए सुबह से शाम तक खाए नहीं है, हम लोगों ने सबने पैसे मिला के कलेक्शन करके सब लोगों ने वहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट करा, जो भी हमारा छोटा मोटा था, ठीक है, हम लोगों ने जितना होटल हमने करा वो, ठीक है, और लास्ट हम लोगों ने वहाँ कुछ बैनर बनाए थे, ठीक है,
जिसमें हम लोगों ने कुछ थॉट लिखे थे साफ सफाई के लिए। अभी 5 से 7 बज रहे हैं और मेरे को फोटो आती कि पैदल पड़ चुके हैं, ठीक है। तो ये तो यहाँ के लोग हैं कूड़ेदान के। अगर आप लोग साफ सफाई नहीं कर सकते तो ये सब भी मत करिए, जो कर रहा है उनको तो करने दीजिए। जो भी ये लोग नॉनसेंस लोग हैं, इन लोगों को मैं सख्त नोटिस देने जा रहा हूँ। जिसमें इतनी हिम्मत है ना, दुर्गा पुरी में आ जाना, हर दिन किसी से मिल लेना, और कोई भी दिक्कत हो मैं हूँ उनके लिए, ठीक है। यहाँ पकड़ा जो आप लोग बैनर बुनर बांट रहे हो, ये कर रहे हो ना, तो मैं बताने वाला हूँ बहुत जल्दी। कर्णाश्रम हमारा देवभूमि है, देवभूमि को आप लोग गंदा कर रहे हो पहली बात। और दूसरी बात, जो लोग साफ सफाई में जा रहे हैं वहाँ कर रहे हैं, उनको भी आप लोग क्या करो, डिमोटिवेट करो, ये हरकतें बंद करिए, ठीक है। आप लोग पार्टी करिए, कुछ भी करिए, कूड़ा ले लीजिए अपने साथ, वहाँ डस्टबिन बने हैं वहाँ पे रखिए। जो भी हम लोग का ग्रुप है, जो फिट टू लिव हमारे बहुत अच्छे भाई लोग हैं, बंधु हैं, बहने हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करी है आज सुबह से और शाम तक, ठीक है। यहाँ तक कि उन लोगों ने लंच नहीं कराया, कुछ नहीं कराया, थोड़ा बहुत खाया है। हम लोग थोड़े समोसे लेके थे, केले लेके थे, यहाँ तक कि उन लोगों ने किसी ने खाया भी नहीं है, ठीक है। पानी तक नहीं पिया किसी ने, साफ सफाई करी है। और जो ये बोलिंग शौक कर रहा हूँ, अगर आप में हिम्मत है ना, आप लोग आओ हमारे साथ, पूरा साफ करिए और हम लोग आप लोगों का प्रमोशन करेंगे, ठीक है। ये खुलना चैलेंज आप लोगों को, जो आप लोग बोल रहे हो शौक शौक, ठीक है। और लास्ट में मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।